हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एनएचपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछ रहा है आपसे, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट है वो डील्स करता है किसका कन्वर्जन। तो सबसे पहले आपको मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का साइकिल बना के दिखा देता हूँ कि ये किस साइकिल पर काम करता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है एक, और ये एक हमारा हीट इंजन होता है। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से इंजन को हीट सप्लाई किया जाता है, तो ये कुछ वर्क प्रोड्यूस कर देता है और क्या करता है, कुछ हीट जो है रिजेक्ट कर देता है। QS हो गया, ये QR हो गया और ये वर्क हो गया। तो ये वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, Q सप्लाइड, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनपुट क्या है हीट और आउटपुट क्या है वर्क। तो हीट इनटू वर्क इस के कन्वर्जन पे काम करता है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लो कार्बन स्टील। तो स्टील एक होता है लो कार्बन स्टील, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई कार्बन स्टील। 0.3% तक अगर कार्बन परसेंटेज है तो येलो कार्बन स्टील में आता है। 0.3 से 0.8% कार्बन अगर है तो यह आता है मीडियम कार्बन स्टील, और 0.8 से ज़्यादा 1.2 तक जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाई कार्बन स्टील। तो इसमें लो कार्बन स्टील का पूछ रहा है कितने होते, 0.3% तक, ठीक है। तो ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ ब्रेक हार्स पावर टू द इंडिकेटेड हार्स पावर ऑफ एन IC इंजन इज कॉल्ड। तो इफिशेंसी जो होता है ब्रेक पावर अपन इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो होता है उसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इफिशेंसी। ब्रेक पावर क्या होता है, ये जो हमें शाफ्ट पे प्रोड्यूस होता है, शाफ्ट मेन आउटपुट जो होता है वो उसको कहते हैं ब्रेक पावर। और पिस्टन पे जो पावर होता है उसको क्या कहते हैं, हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं। तो ये क्या होता है, इन दोनों का रेशियो मैकेनिकल इफिशियंसी कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। एन इम्पल्स टर्बाइन का ये क्वेश्चन है क्या कर रहा है। एन इम्पल्स टर्बाइन रिक्वायर्स, तो इम्पल्स टर्बाइन क्या रिक्वायर होता है, इसमें हाई हेड होता है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो होता है। इम्पल्स टर्बाइन का एग्जांपल है पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होता है। क्या इम्पल्स टर्बाइन पे काम करता है। इसमें क्या होता है, एक डैम बना के जो है पानी को स्टोर किया जाता है, फिर यहाँ से पेन स्ट्रोक के थ्रू यहाँ ला के इसको नोजल के थ्रू जो है टर्बाइन में हम सप्लाई कर देते हैं, और ये टेंजेंशियली इस पर अप्लाई होता है। और यहाँ पे नोजल के थ्रू जो इसका हेड एनर्जी है इसको किसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाई हेड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो। स्मॉल क्वांटिटी क्यों, क्योंकि नोजल के थ्रू फ्लो किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं क्या। विद ए डिक्रीज इन प्रेशर, विद डिक्रीज इन ए प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, विल डिक्रीज करेगा। विद ए डिक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डिक्रीज। इसीलिए क्या होता है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें भोजन पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो कम पॉइंट पे ही बॉयल कर जाएगा, इसलिए डिफिकल्ट होता है उस पर भोजन पकाना। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कर जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका फोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कर रहा है। द फोर्स व्हिच लाइन ऑफ एक्शन लाई अलोंग द सेम लाइन आर नोन एज। जैसे मान लीजिए एक कोई फोर्स F1 है और इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एक कोई फोर्स F2 है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो इनको क्या कहा जाएगा, कोलिनियर, क्योंकि
एक लाइन में है ना, लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों फोर्सेस का क्या है, एक लाइन पे इसीलिए क्या कहा जाता है, कोलिनियर फोर्सेस कहा जाता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड रिप्रेजेंटेड बाई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंटेड लाइन जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, HGL, किससे डिनोट किया जाता है, ये प्रेशर हेड और डेटम हेड। प्रेशर हेड क्या होता है, पी बाई रोजी, डेटम हेड का होता है जिस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पे है। तो इन दोनों का सम जो होता है उसको क्या कहते हैं, HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द गैस कॉन्स्टेंट आर इज इक्वल टू, गैस कॉन्स्टेंट आर जो होता है वो क्या होता है, मेयर्स, एक मेयर्स फार्मूला होता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। तो क्या अगर डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स, टू स्पेसिफिक हीट्स, हीट्स कौन कौन सी होती हैं, ये सी पी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सी वी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, आर, गैस कॉन्स्टेंट कहा जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फंक्शनल इफेक्ट द आइसेंट्रोपिक फ्लूइड फ्लो बिकम्स, अगर हमें फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं और आइसेंट्रिक फ्लूइड फ्लो है तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स क्या होगा, हीट लॉस होगा, और हीट लॉस अगर हो गया तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, अब यहाँ पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बना के बता देता हूँ। ये होता है टी एस डायग्राम, इस एक्सिस पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर और इस एक्सिस पे क्या है, एंट्रोपी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक डोम शेप बनाया जाता है, इस तरीके से ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनेगा, ये हमारा वेट रीजन है, ये सुपर हीटेड रीजन है, और ये लिक्विड रीजन है। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, टर्बाइन, टर्बाइन ने यहाँ पे कंप्रेसर लगा देते हैं, और यहाँ पे इवेपोरेटर, ये इवेपोरेटर है, ये कंप्रेसर है, ये हमारा कंडेंसर है, और ये जो है एक्सपेंशन वाल्व है। तो इसमें क्या हो गया, टर्बाइन नहीं होता है, नोजल का उपयोग नहीं करते हैं, बॉयलर का भी ज़रूरत नहीं होता, इसमें एक्सपेंशन वाल्व होता है जहाँ पे कंडेंस्ड लिक्विड जो है एक्सपेंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लिक्विड कूलिंग सिस्टम एज कंपेयर टू एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एन आईसी इंजन, लिक्विड कूलिंग सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कूलिंग होगी, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी लिक्विड की ज़्यादा होती है और एयर की हीट कैपेसिटी कम होती है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट को जो है एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो यूनिफॉर्म कूलिंग जो है सबसे बेहतरीन उसका प्रॉपर्टी एडवांटेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज जीरो इफ इज कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो हो जाएगा। तो वर्क तो कोई मतलब नहीं है, हमें पता है इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी डी टी। तो अगर डी टी, डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर ये हमारा जीरो हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर अगर डी टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। 1.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये किसकी यूनिट है, ये है हमारी प्रेशर की यूनिट। तो बार भी प्रेशर की यूनिट है, मेगा पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है, किलो पास्कल भी, और ये पास्कल भी। तो क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 पास्कल। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ए रोटामीटर, रोटामीटर इज यूज टू मेजर, रोटामीटर का यूज हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो फ्लो रेट, लिक्विड के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लो रेट मतलब क्या, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को किसने मेजर किया था, मीटर क्यूब पर मिनट या फिर मीटर क्यूब पर मिनट या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है, किसको, डिस्चार्ज को, या फिर इसको कौन कहते हैं फ्लो। तो फ्लो रेट को कौन मेजर करता है, रोटामीटर मेजर करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस टेक्स कहाँ लेता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, और उसमें क्या होता है हमारा एंथैल्पी रिमेंस सेम। एंथैल्पी में चेंज 0 होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द कॉमन लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन आईसी इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज कॉल्ड, द कॉमन लुब्रिकेशन सिस्टम जो हम लुब्रिकेशन करने के लिए डिफरेंट मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर सिस्टम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर लॉस इन पाइप, मेजर लॉस इन पाइप में क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस। देखिए किसी पाइप से फ्लूड फ्लो हो रहा है तो डिफरेंट टाइप के बेंड होंगे, या फिर कंट्रैक्शन हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, तो लॉसेस होंगे अलग अलग। यहाँ पे बेंड लॉस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कंट्रैक्शन लॉस हो गया, यहाँ पे एक्सपेंशन लॉस होता है, और इन सबसे अलग सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस। तो यही सबसे मेजर लॉस होता है, सबसे पहले हम इसी को कंसीडर करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, FLV² / 2GD, ये जो फॉर्मूला होता है HF, फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट है, RC क्या कह रहा है, कंप्रेशन रेशियो, और गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी का, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या, तो 1 - 1/RC^(γ-1), ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सिंपल करके। द डिग्री ऑफ रिएक्शन पर पर्सन्स रिएक्शन टर्माइन, तो ये आप लोग सिंपली याद रखिए, पर्सन्स रिएक्शन टर्माइन इज 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन, 50% डिग्री, DOF इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, DOF, तो 50% मतलब क्या हो गया, 0.5 डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग ए टाइप ऑफ बॉयलर फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के लिए कहीं पे यूज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया जो है फैक्टर जो है सेलेक्टिंग फैक्टर नहीं है, तो ये क्लाइमेट ऑफ द रीजन, इसके अकॉर्डिंग हम बॉयलर को नहीं सेलेक्ट करते हैं, बाकी फ्यूल एंड वाटर जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग कितना हमें कम एरिया है उपलब्ध है या ज़्यादा एरिया उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात क्या, कितना हमें स्टीम रेट चाहिए, स्टीम जो प्रोड्यूस बॉयलर में क्या होता है, स्टीम ही जनरेट होता है, तो किस रेट से हमें स्टीम जनरेट करना है
उस पे भी हमारा बॉयलर सिलेक्शन डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ऑयल इज फ्लोइंग इन ए पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट अनदर सेक्शन ऑफ पाइप द डायमीटर 20 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। ए वन क्या है, एरिया एट इनलेट, इसमें डायमीटर हमें पता है पाई बाई फोर, डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे पाई बाई फोर इंटू डू स्क्वायर इंटू वी टू। तो ये डी वन डी टू की वैल्यू पुट कर देंगे, वी वन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे वी टू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। तो इग्निशन लैग जो है वो एसआई इंजन का फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन है। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, फिर इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है हमारा इग्निशन लैग है, उसके बाद क्या है फ्लेम प्रोपेगेशन यहाँ तक है, फिर रैपिड कम्बसन है, उसके बाद क्या आता है आफ्टर बर्निंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, स्टेज ऑफ कम्बसन का फर्स्ट पॉइंट। इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम ए टर्बाइन इज ए चेंज। रैंकाइन साइकिल में जो वर्क आउटपुट हो रहा है टर्बाइन से, रैंकाइन साइकिल किस पे काम करता है, वेपर पे, इस तरीके से ये भी साइकिल इसी तरीके से बनता है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है इसको क्या कहते हैं टर्बाइन में, यहाँ पे हमें नेट वर्क आउटपुट मिलता है वन से टू। तो एंथैल्पी बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वही हमारा वर्क आउटपुट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं पंप। पंप जैसे हम खेतों में पानी चलाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके का पंप ही है। तो उसमें क्या फ्यूल बर्न हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, उसके बाद उसको क्या करता है फ्लूइड को निकालता है या फिर सप्लाई करता है। तो पंप क्या है, एक मैकेनिकल या हाइड्रोलिक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं पंप कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ए क्लोज्ड वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर बाय कम्बशन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। किसकी बात करते हैं, क्लोज वेसल की, इसमें क्या सप्लाई किया जा रहा है, हीट सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या फिल हुक किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, तो इससे क्या बना रहा है, ये स्टीम बना रहा है। तो इस टाइप के क्लोज्ड वेसल को हम क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं, बॉयलर कहते हैं। बॉयलर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, स्टीम जनरेशन के लिए किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस किया हूँ और 25-25 क्वेश्चन ही एक वीडियो में डिस्कस करूँगा, ताकि जिससे कि डिटेल में भी डिस्कशन हो पाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। अगर आप लोगों से कोई आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। और अच्छे से तैयारी करिए, NHPC का एग्ज़ाम कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू।